हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसे आप जानते हैं कि इस बार का जो रिजल्ट है वो आया हुआ है, और अगर आपको यह लगता है कि मैं बार बार न जाने क्यों सीए फाउंडेशन में फेल हो जाता हूं, आखिर ऐसा लोग क्या करते हैं जिनको 300 से ज्यादा स्कोर आ जाते हैं, ऐसा मैं क्या नहीं करता, क्या मैंने करना चाहिए, क्या वो लोग करते हैं, क्या सचमुच मैंने कुछ गलतियां करी है, क्या सचमुच मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करना जरूरी है। अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हो और अगर आपको लगता है इस अटेम्प्ट में आपको पास होना बेहद जरूरी है, तो आपको इस वीडियो को देखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहली बात, मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, आप आइडेंटिफाई करें, मैं बोलता चलूंगा, आप देखें कि आपने उन सारी चीजों को किया है क्या नहीं किया है। अगर आप लगातार फेल हो रहे हैं तो वो गलतियां ना करें, हमें वापस से दोबारा इस मुसीबत का सामना नहीं करना है, हमें इस बार पास ही होना है, वो भी अच्छे नंबर से। हम भी चाहते हैं कि हम भी सीए इंटरमीडिएट में जाए, हम भी चाहते हैं हम लोग सीए फाइनल तक पहुंचे और घर वालों का नाम रोशन करें। दोस्तों, सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत के साथ में सही डायरेक्शन का होना बेहद जरूरी है, हमें हार्डवर्क के साथ साथ में स्मार्ट वर्क को भी जोड़ना जरूरी है। सो दोस्तों, अगर सबसे पहली बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं, पॉइंट नंबर वन, क्या आपने सचमुच प्लान किया है? बिफोर यू स्टार्ट स्टडीज ऑफ सीए फाउंडेशन, सबसे पहले प्लान होना बेहद जरूरी है। अब से लेकर 95 से 100 डेज का प्लान आपके पास में होना जरूरी है, जहां पे आप एक बार सारे सिलेबस को ढंग से पढ़े और बाद में 3 बार रिविजन हो इसका पूरा प्लान करे। रिपीट वन मोर टाइम, वन टाइम फुल रीडिंग, जिसमें आप थरली रीडिंग ईच एंड एवरीथिंग, और उसके बाद 2 रिवीजन होगी और तीसरा रिवीजन जो होगा वो एग्जामिनेशन के पहले दिन होगा। इतना तो आपका पढ़ाई होना जरूरी है, इसको हम लोग कहते हैं प्लानिंग। नंबर दूसरी बात, आपको अपने आप को पूछना है कि आपने पिछली बार टेस्ट लिखा था। अगर आप टेस्ट नहीं लिख रहे हो, कम से कम 3 टेस्ट आपने हर कोई सब्जेक्ट का लिखना है। अगर वो नहीं कर रहे आप, तो फिर से आप एक बार आईसीए को चैलेंज कर रहे। तीसरी बात दोस्तों, पास और फेल में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है, वो है रिवीजन। जब तक आप कोई चीज को 2 से 3 बार रिवाइज नहीं करते, यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल इन द एग्जामिनेशन। सो इट्स माय काइंडली इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन हु इज गोइंग टू अपीयर, प्लीज मेक श्योर एटलीस्ट यू आर गोइंग टू रिवाइज सब्जेक्ट थ्राइस। इसलिए आपको उतने ज्यादा घंटे पढ़ना जरूरी है। तो चौथी बात यहां पे इंपॉर्टेंट है कि आपको कम से कम 15 घंटों की पढ़ाई करना बेहद जरूरी है, सो दैट यू विल बी एबल टू फिनिश एवरीथिंग। आप टेस्ट फिनिश कर पाओगे, आप रिविजन कर पाओगे, आप आईसीए का आरटीपी पढ़ पाओगे, आप लेटेस्ट अमेंडमेंट्स को पढ़ पाओगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स को पढ़ना बेहद जरूरी है। उसके बाद में आपसे एक सवाल है, क्या आपने आईसीए के पास्ट एग्जामिनेशन पेपर को पहले दिया था या नहीं दिया? अनलेस एंड अंटिल यू सी दोस पेपर्स, यू शुड नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, बिकॉज उस पेपर से आपको ये समझता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट, कि कहीं आपने अपने आप को यह पूछना चाहिए, क्या मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया? कहीं ऐसा तो नहीं आपने कुछ चैप्टर्स किए नहीं और किए आपको समझे नहीं। दोस्तों, ऐसे किसी भी चैप्टर से कुछ भी पूछ सकता है। सो इट्स माय रिक्वेस्ट वन मोर टाइम गाइस, यू हैव टू कंप्लीट ईच एंड एवरी चैप्टर प्रॉपरली। किसी भी चैप्टर को अंडर एस्टिमेट ना करें, पूरी 100% पढ़ाई आपकी होना जरूरी है। उसके बाद में आपको अपने आप से पूछना है, क्या आपकी पेपर राइटिंग स्पीड जो है वो कम है या एडिक्वेट है? कहीं ऐसा तो नहीं आप हर पेपर में 10 से 15 नंबर का पेपर छोड़कर आते हो? क्या आपने कभी इस बात को गहराई को समझा है कि सपोज यू आर नॉट अटेम्प्टिंग फॉर 20 मार्क्स इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट आपके पास में, 20-20 मार्क का पेपर आपने नहीं लिखा, यानी कि यू हैव रिटन ओनली 320 मार्क्स, तो आपको 320 में से 200 मार्क लाना बहुत ही मुश्किल होता है। यहां पे कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो 400 मार्क का पूरा लिख कर आते हैं, तो 400 में से 200 मार्क्स मिलना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको कोशिश करना है कि आप पेपर राइटिंग की आदत डालें और एग्जामिनेशन में मेक श्योर यू आर कंप्लीटिंग द एंटायर पेपर। उसके बाद में आपके पास में और एक चीज अच्छी है, अगर आप कहते हो कि सर मैं बहुत रिविजन में मुझे टाइम लगता है, इसलिए फर्स्ट टाइम आप जब पढ़ने जा रहे हो तो मेक श्योर यू आर मेकिंग समरी नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ताकि आप एग्जामिनेशन से पहले पढ़ते समय आपके पास में हर चीज का समरी नोट उपलब्ध है, ताकि जितनी ज्यादा समरी नोट आपके पास में होगी उतनी उस सब्जेक्ट के रिविजन के नंबर ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा बार आप रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा आपको एग्जामिनेशन में याद आएगा। उसके बाद में आपने हर चीज को पढ़कर नहीं देखना चाहिए, आपके सिलेबस में अकाउंट्स भी है, आपके सिलेबस में मैथ्स भी है, तो व्हाई डोंट यू रीड एंड राइट इट डाउन।
जब तक आप लिख लिख कर नहीं देखोगे, जब तक कोई भी चीज लिख कर नहीं देखोगे, आपको एग्जामिनेशन में लिखने नहीं आएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हो तो आपने पहले रीड करना चाहिए, फिर रिकॉल करना चाहिए और उन सब चीजों को अपनी हाथों से लिख कर देखना चाहिए। बिकॉज जो चीजें लिख कर देखते हैं वो एग्जामिनेशन में अच्छे से आपको याद आ जाती है। उसके बाद में दोस्तों आपसे एक चीज और समझना चाहते हैं, अगर आपको लगता है आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है या कोई पूरे सिलेबस में नहीं है या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं है, उस सब्जेक्ट को फिर से एक बार दोबारा अपने से पढ़ना और फिर से फेल हो जाना, इससे बेहतर तो यह है उस सब्जेक्ट की पेन ड्राइव खरीद कर उसको फिर से एक बार कंसेप्चुअल समझना बेहद जरूरी है। बिकॉज आपके लिए सबसे बड़ी कॉस्ट पेन ड्राइव की नहीं है, आपसे लिए आपके लिए सबसे बड़ी कॉस्ट आपका टाइम है। मैं नहीं चाहता वापस से फिर से इस अटेम्प्ट में आप उसी सब्जेक्ट में फेल हो जाए, लेट इट बी मैथ्स, लेट इट बी लॉ, व्हाटएवर द सब्जेक्ट में, और लेट इट बी द एंटायर सिलेबस, हर कोई सब्जेक्ट की आप वहां पे पेन ड्राइव खरीद सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत कुछ पता है तो आप उसकी फास्ट ट्रैक भी पेन ड्राइव ले सकते हो। तो ये ऐसा नहीं कि आप टीम एसपीसी की मैं बात करो, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको सच में लगता है कि उस सब्जेक्ट में मैं बार बार फेल हो रहा हूं तो क्यों हम लोग वापस से इतना आईसीआई को चैलेंज कर रहे हैं? हो सकता है कोई सब्जेक्ट हमको ना समझा हो। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए ये है, आपको हमेशा एग्जामिनेशन के पहले याद रखना, अगर आपको किस वजह से फेलियर आया हुआ तो मेक श्योर आप आईसीआई से उन पेपर्स का डिमांड कर रहे हो, आईसीआई से पेपर मंगवाइए और देखिए आखिर आपको मार्क्स कम क्यों है, उसको डिस्कस करिए, अपने सीनियर के साथ बैठकर डिस्कस करिए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर आपको मार्क्स कम क्यों आए। जब तक वो ना समझ में आए तो आप कैसे अपने आप को इंप्रूवमेंट कराएंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको यह कहना है कि आने वाले 3 महीनों तक 100 दिनों में 15 घंटे यानी कि 1500 घंटे आपको अच्छे से लगातार पढ़ाई करना है, जिसमें आपने अपने आप को स्टॉप करना है कि कितने घंटे आप सोशल मीडिया में डालेंगे, क्योंकि आपके जिंदगी के कहीं अहम हिस्से जहां पे आप टाइम जाया करते हो, जैसे कि सोना, जैसे कि खाना, जैसे कि सोशल मीडिया, इन चीजों पर प्रबंध लाना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो जाए इन सब चीजों में बहुत वक्त चला गया और पढ़ाई के लिए बहुत कम वक्त रहा हो। उसके बाद में आपका जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तो जस्ट मेक श्योर आप सारे हाइलाइटर एंड एवरीथिंग, पेन, एवरीथिंग स्केल, सब कुछ है, एक पूरी सामग्री के साथ बैठिए। ऐसा सिर्फ कोई आप मैगजीन नहीं पढ़ रहे, यू आर रीडिंग अ प्रोफेशनल बुक, तो हाईलाइट करिए, स्टिकी नोट्स लगाए ताकि नेक्स्ट टाइम पढ़ते समय उन सारी चीजों को आप फायदा कर सके। उसके बाद में जब भी आप कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उसको अलग से नंबरिंग करें, ताकि एग्जामिनेशन के पहले या रिविजन करते समय आप उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करें, ना कि आप वही सेम टाइप के सेम कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम बार बार करें, इससे आपका वक्त बहुत जाया होता है। दोस्तों उसके बाद में आपसे एक सवाल, आपसे एक बात भी करना चाहेंगे कि आपको जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो मेक श्योर जब नींद आने का वक्त होता है आपने उस समय प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करना चाहिए, जब आपको नींद नहीं आती आपने उस समय थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। और मेरा एक आपको एक सुझाव है, 4 में से 2 सब्जेक्ट ऐसे आपके होना चाहिए जहां पे यू फील दैट यू कैन स्कोर 60+, यानी कि 2 सब्जेक्ट के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है ताकि आपका एग्रीगेट का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। और दोस्तों इन सब के साथ साथ में आपके जिंदगी में बहुत ज्यादा मोटिवेशन होना जरूरी है, क्योंकि आप सभी लोग जानने की कोशिश करिएगा जब कोई इंसान फेल होता है ना, वो फेल खुद नहीं होता, उसका पूरा परिवार फेल हो जाता है। अगर आपने देखा होगा इस बार आप जब कहते हैं अपने घर वालों को कि मैं फेल हुआ, तो आपने उस समय आपने घर वालों की आंखों में आपने झांक कर देखना चाहिए था कि उनको कितना दर्द होता है। वो दर्द अगर आप चाहते हैं कि इस बार ना हो दोस्तों, तो आपको पढ़ना है, आपको अपने लिए नहीं अपने माता और पिता के लिए पढ़ना है। दोस्तों ऐसा मौका आपको मिला है, यू आर नॉट डूइंग अ नॉर्मल कोर्स, यू आर डूइंग वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स ऑफ इंडिया, इसका बहुत ज्यादा वैल्यू है। 3 या 4 साल आपको पढ़ना है, उसके बाद में जिंदगी में आपको सब कुछ एनकैश ही करना है। तो क्यों ना हम लोग पूरी जिंदगी को अच्छा अच्छा बनाने के लिए आपको 3-4 साल ही तो पढ़ना है। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन बी सीरियस अबाउट दिस। बस जिंदगी में हर समय सीरियस होने की जरूरत नहीं होती, पर कभी कभी ऐसा वक्त आता है जहां पे सच में आपको करियर के बारे में सोचना जरूरी होता है। अब जो बच्चे जो टाइम पास कर रहे हैं, जो फालतू काम करते हैं, दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन मोबाइल फोन, मे बी ऑन नो अदर थिंग्स, डोंट थिंक अबाउट दोस थिंग्स।
आपको उन लोगों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना, आप उनके बारे में सोचिए जिन्होंने इस बार इतना कम समय होकर भी 340 350 नंबर का स्कोर किया, इतनी बड़ी बात है। दोस्तों आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन वंस अगेन स्टडी हार्ड, सिर्फ आपके पास में 100 दिन का वक्त है। और एक चीज लास्ट में बोलना चाहूंगा, जो भी प्लान आपने बनाया हुआ है पढ़ाई का, बार बार आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करना है, चेक करना है कि सच में आई एम इन ट्यून विद द प्लान, whether I need to change the plan, I need to change the strategy, there should be continuous monitoring on the plan, कहीं ऐसा ना plan बना था कुछ और आपने किया कुछ। Guys, I hope आपको ये video बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, इसमें दिए हुए सारे सुझावों को ना कि सिर्फ समझे उसको execute भी करें। आपको जो जो भी ये video में से अच्छा लगा होगा, जो आप follow नहीं करते होंगे, तो मैं दरख्वास्त करूंगा इसको लिखे और अपने जिंदगी में इंप्लीमेंट करें। ये CA foundation का आपका आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए, अगली बार बेशक हम आपको इंटरमीडिएट में देखना चाहेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारे एसपीसी के वीडियो लेक्चर आपको चाहिए, जहां से आप पूरा रिवीजन करना चाहते हैं, ऑल दिस लेक्चर्स आर फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब, जाए वो देखे ज्यादा से ज्यादा बार, वहां से रिवीजन करें। थैंक यू वेरी मच गाइस, प्लीज इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है इसको बहुत लोगों में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगली बार एग्जामिनेशन में पास हो। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।